तो हेलो नमस्ते कनाल चाल, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल बातचीत में। और आज आपसे हम बात करेंगे एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और घर बैठे बैठे अपने लिए सामान खरीद लेते हैं। अब चाहे वो सुई हो या सोना, कोई तोहफा हो या फिर कोई पर्सनल सामान, आज के दौर में लोग 300 मिनट पर डे के हिसाब से फ़ोन पर बिताते हैं और एक आम आदमी का इंटरेस्ट रिटेंशन टाइम 8 सेकंड ही रहता है। अब दोस्तों, ये सब सुनकर एक सवाल तो हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। दरअसल दोस्तों, इंटरनेट, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से की जाने वाली मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जिसे हम ई मार्केटिंग भी कह सकते हैं। इसके द्वारा कंपनी कम समय में ज़्यादा ग्राहकों के साथ इंटरेक्शन कर पाती है। यानी कि जिस कंपनी को पहले बहुत लंबा समय लगता था अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए, अब डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से वो कंपनियां अपने ग्राहकों तक बहुत आसानी से पहुँच जाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग का आज के दौर में सक्सेसफुल होने का एक ये भी कारण है कि आजकल की दुनिया फ़ोन पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर ज़्यादा समय बिताती है। और अगर किसी को अपनी कंपनी के बारे में बताना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, तो प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कोई वेबसाइट बहुत ही अच्छे माध्यम रहते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रचलित करने में। अब दोस्तों, हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से होने वाले फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा डिजिटल मार्केटिंग जो हमारे सोसाइटी में करता है वो है जॉब क्रिएशन। दोस्तों, घर बैठ के आप 15 से 20,000 रुपये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से ही कमा सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि लोग जॉब में ज़्यादा डिपेंडेंट ना होके अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की तरफ ज़्यादा आगे आ रहे हैं। इससे आपको किसी भी इलॉजिकल और अनएथिकल जॉब पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। थर्ड और लास्ट पॉइंट दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से रिमोट वर्किंग कल्चर हमारी सोसाइटी में अब फैलता जा रहा है। रिमोट वर्किंग कल्चर दोस्तों होता क्या है कि अब हमें किसी भी ऑफिस को खोलने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें कोई कुर्सियाँ नहीं चाहिए, कोई टेबल नहीं चाहिए, कोई एसी नहीं चाहिए, कोई पंखा नहीं चाहिए। हमें बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ बैठ के हम अपनी कंपनी को वर्चुअली बना सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने वाले एम्प्लॉयज़ या और सहकर्मी सभी वर्चुअली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसको कहते हैं हम रिमोट वर्किंग कल्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी काम का लगे तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, और अगर बहुत अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में ऐसे ही जुड़े हुए कॉन्टेक्स्ट और लेके आने वाले हैं। नॉर्मल बातचीत के साथ आज तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ ऐसे ही आगे जुड़े रहेंगे और हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा।